स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम वी डिस्कस्ड द लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज. ओके, लीनियर स्ट्रक्चर. बट इन एक्चुअल द ग्लूकोज इज नॉट प्रेजेंट इन इट्स लीनियर स्ट्रक्चर. ओके, क्लियर? क्यों उसकी बात करते हैं? अब वी आर गोइंग टू डिस्कस साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज. द स्ट्रक्चर वन ऑफ ग्लूकोज एक्सप्लेन मोस्ट ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज, बट द फॉलोइंग रिएक्शंस एंड फैक्ट्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय दिस स्ट्रक्चर. सबसे पहले स्ट्रक्चर वन कौन सा कह रहे हैं? ये वाला स्ट्रक्चर जिसको हम लीनियर स्ट्रक्चर बोलते हैं. वेट, ओके, जिसको हम लीनियर स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, ये वाला. दे आर टॉकिंग अबाउट दिस स्ट्रक्चर. ठीक, ये जो स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, इसने मोस्ट ऑफ दी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर दी है ग्लूकोज की, बट कुछ एक प्रॉपर्टीज डिस्कस नहीं कर पाया. ओके, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज? पहला, डिस्पाइट हैविंग द एल्डिहाइड ग्रुप, ग्लूकोज डज नॉट गिव स्किप्स टेस्ट एंड इट डज नॉट फॉर्म द हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट विद द NaHSO3. ठीक, हमें याद होगा कि जो आपके पास हमने पढ़ा था एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के लिए, सोडियम बाइसल्फाइड, ये जो कार्बोनिल ग्रुप्स है जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों काउंट होते हैं, उनके साथ मिलके ये एडिशन प्रोडक्ट बनाता है. ओके, क्लियर? और हमें पता है कि ग्लूकोज में भी एल्डिहाइड ग्रुप है, तो ग्लूकोज को भी सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करवाना चाहिए. बट एक्चुअल में ग्लूकोज सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करता ही नहीं है. ओके, तो ऐसा क्यों है कि एल्डिहाइड होने के बावजूद भी ये हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा? ओके, क्लियर? तो पहली ड्रॉबैक लीनियर स्ट्रक्चर की ये हो गई. दूसरी ड्रॉबैक, द पेंटा एसिटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्साइल अमाइन, इंडिकेटिंग द एब्सेंस ऑफ फ्री CHO ग्रुप. ओके, अब ये पेंटा एसिटेट ग्लूकोज क्या है, इसके लिए थोड़ा बैक लेक्चर में जाना पड़ेगा. ये वाला हमने पढ़ा था ना कि ग्लूकोज की एसिटाइलेशन करने पे क्या होता है, वो पेंटा एसिटाइल ग्रुप, उसके साथ सारे के सारे अल्कोहल ग्रुप हैं जो, वो जो हैं एसिटाइल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाते हैं. फिर भी ये जो ग्लूकोज का एल्डिहाइड ग्रुप है, ये तो खाली है ना. ओके, ये तो अभी है ही है, क्लियर? तो इसको तो एल्डिहाइड ग्रुप वाला रिएक्शन शो करवा देना चाहिए. और एल्डिहाइड ग्रुप क्या करते हैं, याद है एल्डिहाइड ग्रुप क्या करते हैं? ये वाला रिएक्शन, एल्डिहाइड ग्रुप हाइड्रोक्साइल अमाइन के साथ मिलके ये क्या, इस फंक्शन ग्रुप को कौन से बोल क्या कौन सा फंक्शन ग्रुप बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑक्साइन. तो ऑक्साइम बनाते हैं. ठीक है, क्लियर? ग्लूकोज वैसे सोडियम हाइड्रोक्साइल के साथ मिलके, सॉरी, हाइड्रोक्साइल अमाइन के साथ मिलके ऑक्साइम बनाता है, ग्लूकोज बनाता है. बट जब ग्लूकोज अपना पेंटा एसिटेट बन जाता है, ये वाला, हालांकि हमें लग रहा है कि इसमें भी आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप तो है, तो इसको तो कर लेना चाहिए था रिएक्शन, बट ये रिएक्शन करता नहीं है. ये नहीं हाइड्रोक्साइल हाइड्रोक्साइल अमाइन के साथ मिलकर ऑक्साइम बनाता, ऐसा क्यों, ये क्यों नहीं रिएक्ट करता? इसमें तो एल्डिहाइड ग्रुप है, फिर भी नहीं रिएक्ट करता. ओके, जैसे यहाँ पे वही बात रिपीट करूंगा अब मैं, द पेंटा एसिटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद द हाइड्रोक्साइल अमाइन, इंडिकेटिंग द एब्सेंस ऑफ फ्री CHO ग्रुप. इट मींस ये जो CHO ग्रुप है वो फ्री नहीं है, जैसे लीनियर स्ट्रक्चर में दिखाया गया ना, फ्री ऐसे ऐसे, तो वो फ्री नहीं है ऐसे. एक्चुअल में वो कहीं ना कहीं बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होगा, तभी वो अपना प्रेजेंस शो नहीं कर पा रहा. ना वो इस रिएक्शन में शो कर पाया, ना वो इस रिएक्शन में अपना प्रेजेंस शो कर पाया. दूसरा, नेक्स्ट पॉइंट, ग्लूकोज इज फाउंड टू एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स. ग्लूकोज की दो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स और मिली, कौन कौन सी? विच आर नेम्ड एज अल्फा एंड बीटा. ग्लूकोज की जो दो फॉर्म्स मिली उनको अल्फा एंड बीटा नेम किया गया. द अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज is having melting point 419 Kelvin, is obtained by crystallization from concentrated solution of glucose at 303 Kelvin, while the beta form, which has melting point 423 Kelvin, is obtained by crystallization from hot and saturated aqueous solution at 371 Kelvin. अगर glucose का 371 Kelvin पे अगर क्रिस्टलाइजेशन करवाएं, उस टाइम आपके पास बीटा फॉर्म बनती है. अगर 303 केल्विन पे क्रिस्टलाइजेशन करवाएं तो अल्फा फॉर्म बनती है.
ओके बट ग्लूकोज की तो अल्फा बीटा कोई फॉर्म ही नहीं होती, लीनियर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग तो ग्लूकोज का एक ही स्ट्रक्चर है ये वाला, तो इसमें क्या अल्फा क्या बीटा। ठीक, तो ये जो तीन प्रॉपर्टीज हैं, इन तीन प्रॉपर्टीज को आप लीनियर स्ट्रक्चर के बेसिस पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते ग्लूकोज के। ठीक, तो फिर प्रपोज किया गया साइक्लिक स्ट्रक्चर। साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता कैसे है, एक्चुअल में ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है और ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है फिफ्थ कार्बन वाला, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप और एल्डिहाइड ग्रुप मिलकर आपस में हेमी एसिटल स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है वो इस कार्बन के ऊपर अटैक कर देता है, क्लियर, और ये डबल बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर चले जाते हैं और इसका ये हाइड्रोजन निकल के ऑक्सीजन के ऊपर अटैच हो जाता है। ठीक, उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें कार्बन ओ ऐसे और इसके ऊपर ओ एच, इसको बोलते हैं हेमी एसिटल स्ट्रक्चर, क्लियर। तो ऐसे बनती है साइक्लिक फॉर्म ग्लूकोज की। तो एक्चुअल में जो ग्लूकोज नॉर्मली एग्जिस्ट करता है वो साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, या आप ऐसा बोलो कि ग्लूकोज की साइक्लिक फॉर्म और ये जो लीनियर फॉर्म है ये आपस में इक्विलिब्रियम में होती है विद ईच अदर। ओके, तो ये डायनामिक इक्विलिब्रियम में होती है विद ईच अदर। ओके, सिमिलरली अब ये जो रिएक्शन हुआ जब OH जो है वो इसके ऊपर अटैक किया, ओके, और ये वाला जो कीटो ग्रुप है ये हाइड्रोक्सी ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। देखो ये हाइड्रोक्सी में कन्वर्ट हो गया ना, हाइड्रोक्सी में जब ये कन्वर्ट हुआ तो ये कार्बन भी एक नया ऑप्टिकल एक्टिव कार्बन बन गया, क्योंकि इसके ऊपर भी चार डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं। ठीक है, वैसे हम कहते हैं ना ग्लूकोज में चार ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 जब, बट ये वाला रिएक्शन होता है साइक्लाइजेशन वाला, तब ये वाला कार्बन भी ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है। ओके, तब पांच ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन बन जाते हैं। ठीक, तो ये जो फिफ्थ वाला ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन जो अभी बना है साइक्लाइजेशन में, अगर इसमें OH राइट साइड पे हो तो उस साइक्लिक फॉर्म ऑफ ग्लूकोज को बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोज। ओके, बट अगर इसमें OH लेफ्ट में है और H राइट में है तो इस वाली साइक्लिक फॉर्म को बोलेंगे बीटा डी ग्लूकोज। ओके, क्लियर, द टू साइक्लिक हेमी एसिटल फॉर्म्स ऑफ ग्लूकोज डिफर ओनली इन द कॉन्फिगरेशन ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट C1। फर्स्ट कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप की के अकॉर्डिंग वो डिफर करती हैं एक दूसरे के साथ। ओके, कॉल्ड एनोमेरिक कार्बन, ये जो कार्बन ना C1, ये जो नया ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन क्रिएट हुआ ड्यूरिंग साइक्लाइजेशन, इसको एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं। ओके, इसको पॉइंट आउट कर देता हूँ मैं यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड एज द एनोमेरिक कार्बन। ओके, सच आइसोमर्स दैट इज अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म्स आर कॉल्ड एज एनोमर्स। ये जो अल्फा डी ग्लूकोज है और ये जो बीटा डी ग्लूकोज बन रही हैं, इनको आपस में बोलेंगे कि ये एक दूसरे के एनोमर्स हैं। ओके, क्लियर, तो इट मीन्स आप बोलोगे कि लीनियर स्ट्रक्चर की साइक्लाइजेशन के दौरान, जब ये साइक्लाइजेशन के दौरान हेमी एसिटल फॉर्म बनती है, साइक्लिक हेमी एसिटल फॉर्म बनती है, उस दौरान दो तरह के ग्लूकोज बन सकते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज। अगर तो आप टेम्परेचर 303 केल्विन पे क्रिस्टलाइजेशन करवाओगे, उस टाइम आपके पास अल्फा फॉर्म बनेगी। ओके, मेजरली अल्फा फॉर्म बनेगी, क्लियर, और अगर ग्लूकोज की क्रिस्टलाइजेशन करवाओगे 371 केल्विन पे तो उस टाइम बीटा फॉर्म मेजरली बनेगी आपके पास। ओके, और ये जो अल्फा डी ग्लूकोज और ये बीटा डी ग्लूकोज, इनको आपस में क्या बोलेंगे कि ये दोनों एनोमर्स हैं विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ओके, और ये जो नया कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन जनरेट हुआ, इसको बोलेंगे एनोमेरिक कार्बन, जिसकी वजह से ग्लूकोज के आगे दो डिफरेंट आइसोमर बन पाए। ओके, द सिक्स मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड एज द पायरानो स्ट्रक्चर। अब ये जो साइक्लिक रिंग बन जाएगी, इसको रिप्रेजेंट पता कैसे करते हैं, ऐसे नहीं करते, ये तो वैसे हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिखाया, ये ऐसे एग्जिस्ट करती है। तो ये सिक्स मेंबर रिंग में एग्जिस्ट कर रहा है ना ग्लूकोज, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ये अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ये बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। ओके, क्लियर, तो ये जो सिक्स मेंबर रिंग बन रही है इसको बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज द पायरानोज स्ट्रक्चर। क्यों ऐसा बोलते हैं, पायरन हमारे पास एक कंपाउंड होता है ये वाला ऑर्गेनिक में, इसको बोलते हैं पायरन। तो ये जो ग्लूकोज की ये वाली अल्फा डी फॉर्म है, ठीक, ये सिक्स मेंबर जब रिंग बना रही है, ये पायरन पायरन को रिजेंबल कर रही है, पायरन जैसी लग रही है, इसको हम बोलते हैं पायरानोज स्ट्रक्चर। ठीक है,
और ऐसे ही आपके पास साइक्लाइजेशन के दौरान फ्यूरेन भी बन सकती थी, फ्यूरेन जैसी रिंग, उसको बोलते हैं फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर। ओके, जो फ्रक्टोज है उसमें भी साइक्लाइजेशन होती है, बट वो साइक्लाइजेशन के दौरान पायरानोज स्ट्रक्चर नहीं बनाता, वो साइक्लाइजेशन के दौरान फ्यूरानोज स्ट्रक्चर बनाता है। ओके, इसकी बाद में बात करेंगे। क्लियर? द सिक्स मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड एज दी पायरानोज स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर बनेंगे दोनों, इनको बोलेंगे ये पायरानोज स्ट्रक्चर है। ओके, दी साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज मोर करेक्टली रिप्रेजेंटेड बाय दी हॉवर्थ स्ट्रक्चर एज गिवन बिलो। आप साइक्लिक स्ट्रक्चर को ऐसे तो दिखा सकते हो, ये सिंपल फॉर्म है, बट ऐसे दिखाने के बजाय ऐसे दिखाना ज्यादा फिजिबल है। ओके, और ज्यादा वैल्यूएबल है। ठीक, कैसे बनता है ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा कैसे? याद रखो कि आपने सिक्स मेंबर रिंग बनानी है और ऑक्सीजन जो है वो एक्सट्रीम राइट में चाहिए। ओके, ये आ गया टॉप पे, ऑक्सीजन एक्सट्रीम राइट टॉप पे। क्लियर? उसके बाद फर्स्ट कार्बन ये है, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, फिफ्थ ये। ओके क्लियर? तो बस शुरू हो जाओ। फर्स्ट कार्बन ये है, इसमें ऐसे दिखाने हैं ये वाले सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक, आरडी शर्मा की बुक फॉलो करते हो ना, तो मन में बैठा लो कि जो राइट साइड में आएगा यहाँ पे, ये कार्बन के जो राइट साइड में आएगा वो टॉप पे दिखाना है, सॉरी वो डाउन दिखाना है। आर राइट पे आएगा जो डाउन पे दिखाना है। ओके, और जो लेफ्ट में आएगा वो टॉप पे दिखाना है। तो तभी देखो इसमें ऐसे ये बना दिया हमने। ओके, ये फर्स्ट कार्बन था, फर्स्ट कार्बन में OH राइट पे आ रहा है तो OH डाउन आएगा, तो OH इसलिए नीचे दिखाया, और H लेफ्ट पे आ रहा है वो ऊपर ऊपर। ओके ओके, सेकेंड कार्बन पे OH जो है वो राइट में आ रहा है तो डाउन में आएगा। ठीक, H जो आ रहा है वो ऊपर। थर्ड कार्बन पे देखो, एच राइट पे आ रहा है तो एच अब डाउन में होगा थर्ड कार्बन वाला, और ओ एच ऊपर। ओके एंड सो ऑन। ठीक, याद करने का तरीका आर डी शर्मा की बुक से याद कर लेना। ओके क्लियर? और ये साइक्लाइजेशन कैसे हुई है, ये तो आपको पता ही है कि फिफ्थ कार्बन वाले हाइड्रोक्सी ग्रुप ने जब अटैक किया फर्स्ट कार्बन वाले एटम के ऊपर। फर्स्ट कार्बन कौन सा था? एल्डिहाइडिक कार्बन था ना। ओके, जिसकी वजह से वो ग्रुप जो है वो अल्कोहलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। ओके, तो बस उसमें अगर राइट पे OH आ जाए तो उसको अल्फा डी फॉर्म बोलते हैं, और अगर OH जो नया बना वो लेफ्ट में आ जाए उसको बीटा डी ग्लूकोज बोलते हैं। ओके, और ये हावर्थ स्ट्रक्चर है दोनों के, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज का ये वाला स्ट्रक्चर बना के उससे आप ये हावर्थ स्ट्रक्चर भी बना सकते हो। क्लियर? और हाँ, ये जो फिफ्थ कार्बन है, फिफ्थ कार्बन पे ये जो CH2OH है ये हमेशा ऊपर आता है, इसके लिए वो RD वाला रूल नहीं है ना इसमें, क्योंकि लेफ्ट राइट वाला चक्कर ही खत्म हो गया। तो इसमें बस ये याद रखो, ये CH2OH जो है वो हमेशा टॉप पे आना है ऐसे। ओके, लाइक दिस। तो ऐसे आप इसकी ये बना के प्रैक्टिस कर लेना। दैट्स इट। नाउ ग्लूकोज इज ओवर। ठीक, मतलब अब भी कंक्लूड कर लेते हैं हम। ग्लूकोज जो है लीनियर फॉर्म में कम एग्जिस्ट करता है, वो अपने साइक्लिक फॉर्म में ज्यादा एग्जिस्ट करता है। या आप ऐसा बोल लो कि जो ग्लूकोज है वो अल्फा डी और बीटा डी ग्लूकोज की साइक्लिक फॉर्म के साथ आपस में, ये जो लीनियर फॉर्म है वो आपस में म्यूचुअल इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश बना के रखती है। बट अगर आप क्रिस्टलाइजेशन करवाओगे इस टेम्परेचर पे, 303 केल्विन पे, तो उस टाइम क्या होगा, मेजरली अल्फा फॉर्म होगी आपके पास ग्लूकोज में। ऐसा ग्लूकोज जिसकी क्रिस्टलाइजेशन आप 303 केल्विन पे करवा रहे हो तो उसमें ये वाली फॉर्म मेजरली होगी, और ऐसा ग्लूकोज जिसकी आप क्रिस्टलाइजेशन 371 केल्विन पे करवा रहे हो उसमें मेजरली ये बीटा डी फॉर्म होगी। ओके क्लियर? और ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है ये इन तीनों पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर पाएंगे। कैसे? जैसे मैं अगर बात करूं कि अब मैं एक्सप्लेन करूं कि ये वाले टेस्ट क्यों नहीं शो किए ग्लूकोज ने, उसका रीजन है देखो, इस वाले में एल्डिहाइड ग्रुप तो फ्री है ही नहीं, वो तो ये वाली हेमी एसिटल, इस लिंकेज को बोलेंगे हेमी एसिटल लिंकेज, ये वाली, वो तो हेमी एसिटल लिंकेज में बना पड़ा है। तो एल्डिहाइड ग्रुप अगर फ्री ना हुआ तो क्या होगा, अगर फ्री ना हुआ तो वो ये वाला रिएक्शन शो करवाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, नहीं जो एल्डिहाइड शो करवाते हैं, इसलिए वो नहीं करवा पाया साइक्लिक फॉर्म में। सिमिलरली जब वो पेंटासिटेट बना होगा साइक्लिक फॉर्म में, जब पेंटासिटेट बनेगा तो होगा क्या, ये वाला अल्कोहल जो है ये एसिटेट में कन्वर्ट हो गया, ये भी एसिटेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ये भी एसिटेट में, ये भी एसिटेट में, और ये भी एसिटेट में। ठीक, और जब ये एसिटेट में कन्वर्ट हैं वो भी खत्म हो गए। ओके,
रिंग ओपन भी नहीं होगी, रिंग ओपनिंग भी बंद हो जाएगी, ठीक, क्योंकि अब जब एसेटेट जुड़ गए उसके बाद रिंग ओपनिंग नहीं होनी। हालांकि जब एसेटेट नहीं जुड़े थे तब तो ये आपस में एक दूसरे के साथ म्यूचुअली इक्विलिब्रियम में होते हैं। ओके ओके क्लियर। तो इट मींस जब वो साइक्लिक फॉर्म में है और यहाँ पे ओएच की बजाय एसेटेट लग गया तब भी क्या होगा, तब वो रिंग ओपनिंग के चांस हो गए खत्म। तो उसके बाद भी क्या होगा, उसके बाद उसका जो सी एच ओ ग्रुप है वो अपना रिएक्शन शो नहीं कर पाएगा। ओके तो रिएक्शन नहीं शो होगा, क्लियर, दैट्स इट। उसके बाद ये जो थर्ड पॉइंट है इसकी तो मैंने बताई दी कि ये जो एनोमरिक कार्बन नया जनरेट हुआ, नया ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन जनरेट हुआ, तो उसकी वजह से ये जो साइक्लिक फॉर्म होती है ग्लूकोज के, उसके दो स्ट्रक्चर बनते हैं, ठीक है। एक होता है, दो नई फॉर्म्स बनती हैं, एक को बोलते हैं अल्फा डी फॉर्म, दूसरे को बोलते हैं बीटा डी फॉर्म, ठीक है। चलो नेक्स्ट फ्रक्टोज। अब जो फ्रक्टोज क्या है, फ्रक्टोज जो है वो कीटो हेक्सोसिस की कैटेगरी में आता है। कीटो वर्ड क्यों लिखा, क्योंकि उसमें कीटोन ग्रुप है, और हेक्सोसिस क्यों लिखा, क्योंकि उसमें सिक्स कार्बन एटम होते हैं। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसमें सिक्स कार्बन एटम होते हैं उसको हेक्सोस बोलते हैं। इट इज ऑब्टेन्ड अलोंग विद ग्लूकोज बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ डायसैकेराइड सुक्रोज, ठीक। तो जो सुक्रोज है हमारे पास, उसकी अगर हाइड्रोलिसिस की जाए, ठीक, तो सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस से आपके पास क्या आपको निकलता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ठीक है, क्लियर। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करोगे तो दो मोनोसैकेराइड्स निकलते हैं, कौन कौन से, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, क्लियर। तो फ्रक्टोज ऐसे बनता है, इट इज अ नेचुरल मोनोसैकेराइड फाउंड इन फ्रूट हनी वेजिटेबल्स इन इट्स प्योर फॉर्म इट इज यूज्ड एज अ स्वीटनर। ये तो चलो पॉइंट मेन ही है, ये आप खुद ही पढ़ते रहना। ओके नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। अगर हम फ्रक्टोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर की बात करें, हालांकि इसका भी ओपन चेन स्ट्रक्चर नहीं होता, ओके तो फ्रक्टोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर की बात करें तो होता क्या है आपके पास, इट इज फाउंड दैट फाउंड टू कंटेन अ कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप एट कार्बन टू, ये सेकेंड कार्बन के ऊपर कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है, एंड सिक्स कार्बन इन द स्ट्रेट चेन एज इन केस ऑफ ग्लूकोज, इट बिलोंग्स टू दी डी सीरीज। ये डी सीरीज को बिलोंग करता है, क्यों, क्योंकि इसमें भी जो सेकेंड लास्ट कार्बन के ऊपर OH होता है वो राइट हैंड साइड पे होता है। जब ये सेकेंड लास्ट कार्बन का OH जो है वो राइट साइड पे हो उसको बोलते हैं डी, अगर OH लेफ्ट पे हो तो वो होते हैं एल, ठीक है। बट बाय डिफॉल्ट नेचर में जो ग्लूकोज है वो डी फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, और सिमिलरली जो फ्रक्टोज है वो भी डी फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, जो नेचुरल ग्लूकोज और फ्रक्टोज है जो हम कंज्यूम करते हैं। ओके इट्स ओपन चेन स्ट्रक्चर इज एज शोन इन द फिगर, क्लियर। इसमें भी ग्लूकोज की तरह थर्ड कार्बन पे थोड़ा सा एक्सेप्शन है, जिसमें OH राइट पे आएगा और H लेफ्ट, सॉरी OH लेफ्ट पे आएगा और H राइट पे आएगा, अदरवाइज बाकी सभी में OH राइट पे है। ओके क्लियर। और इसमें जो इसकी ओपन चेन फॉर्म है उसमें कितने ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन है, एक ये वाला ऑप्टिकली एक्टिव है, एक ये वाला बस, ठीक। तो फ्रक्टोज की जो ओपन चेन फॉर्म है उसमें तीन ही ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन होते हैं। ओके क्लियर। इट ऑल्सो एग्जिस्ट इन द टू साइक्लिक फॉर्म्स विच आर ऑब्टेन्ड डी फ्रक्टोज बाय एडिशन ऑफ OH एट कार्बन फिफ्थ टू द कार्बोनल ग्रुप। अगर आपके पास, अब फिफ्थ कार्बन कौन सा है, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। फिफ्थ कार्बन का जो OH है अगर ये कार्बोनल कार्बन के ऊपर अटैक कर दे, ठीक, क्लियर, तो उसके बाद आपके पास रिंग फॉर्म में चला जाएगा आपका ये वाला फ्रक्टोज। ओके द रिंग थस फॉर्म्ड विल बी फाइव मेंबर्ड रिंग, बट इसके केस में जो रिंग बनेगी फ्रक्टोज के केस में वो फाइव मेंबर्ड बनेगी जब OH इसके ऊपर अटैक करेगा। चाहे गिन के देख लो, ये देखो 1 2 3 4 5 पांच मेंबर आएंगे ना रिंग में, ठीक है, ये वाले सारे मेंबर रिंग में आएंगे बस, ये बाकी थोड़े रिंग में है, तो फाइव मेंबर रिंग बनेगी, और वो थोड़ी थोड़ी ऐसे दिखने में होगी, ठीक है, वो थोड़ी फ्यूरेन को रिजेंबल करती होगी, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो फ्यूरानो स्ट्रक्चर, दैट विल बी कॉल्ड एज द फ्यूरानो स्ट्रक्चर। ग्लूकोज के केस में जो नेचुरल ग्लूकोज है वो सिक्स मेंबर रिंग बनाता है जो कि पायरन को रिजेंबल करता है, इसलिए इसको बोलते हैं पायरानो स्ट्रक्चर, और फ्रक्टोज के केस में आपके पास क्या बनेगा, फ्यूरानो स्ट्रक्चर, ठीक। और फ्रक्टोज के केस में भी जब फिफ्थ कार्बन का जो OH ग्रुप है
वो कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक करता है, तो ये जो कार्बोनिल कार्बन है ये भी एक नया ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन बन जाता है। पहले कितने ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन थे? तीन ना, अब कितने होंगे? चार। ठीक, तो आपके पास एक दो तीन चार, जो साइक्लिक फॉर्म है उसमें एक कार्बन एटम ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन एटम बढ़ जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से फिर आगे दो, मतलब ये वाला कार्बन क्या बोलेंगे, इस कार्बन को क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज दी एनोमेरिक कार्बन। ये जो नया कार्बन जनरेट होता है ड्यूरिंग साइक्लाइजेशन, जो कि नया कार्बन जनरेट कौन सा होता है, ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन जनरेट होता है। कार्बन तो उतने रहे, छह के छह ही रहे, बट नया ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन बन जाता है ये वाला, जिसको एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं। और इस कार्बन में OH राइट पे आए उस टाइम अल्फा फॉर्म, और जब OH जो नया बना वो लेफ्ट पे आए उसको बोलते हैं बीटा फॉर्म। ओके, ग्लूकोज के केस में भी ऐसा ही था, जो नया एनोमेरिक कार्बन बनता है ठीक है, उसमें OH जो राइट पे आए तो अल्फा फॉर्म, अगर लेफ्ट पे आए तो बीटा फॉर्म। ठीक, बस उसके बाद इसकी भी हॉवर्थ प्रोजेक्शन बनानी पड़ेगी। क्लियर, इसमें जो सिक्स मेंबर रिंग बनेगी वो फ्यूरन को रिजेंबल करनी है, तो वो ऐसे बनानी है आपने, ऑक्सीजन, सॉरी इसमें फाइव मेंबर रिंग बनेगी, इसमें ऐसे बननी है। ओके क्लियर, ठीक, और इसमें आपके पास ये जो सेकंड कार्बन है वो यहाँ पे होगा। क्लियर, सेकंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक, अब सेकंड कार्बन पे वही रूल क्या है, RD, जो राइट पे है वो डाउन लगाना है, राउट राइट पे क्या है, OH डाउन है, राइट पे OH है तो वो डाउन आएगा, और ये वाला जो पूरा ग्रुप है वो अप आएगा। थर्ड कार्बन पे H डाउन राइट पे है तो वो डाउन आएगा, और OH लेफ्ट में है वो अप आएगा। फोर्थ कार्बन में सेम वही रूल, और एंड में ये जो CH2OH बचता है, जो फिफ्थ कार्बन वाला, वो तो हमेशा ऊपर ही आता है। ओके क्लियर, तो आपके पास ये हो गया अल्फा डी ग्लूकोज, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हॉवर्थ प्रोजेक्शन कौन सी बनेगी, वो बनेगी ये, इसको बोलेंगे बीटा डी फ्रक्टोज। ठीक है, इसको फ्रक्टो फ्यूरानोज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये फ्यूरेन फ्यूरेन जैसा रिजेंबलिंग स्ट्रक्चर है साइक्लिक, तो इसको फ्यूरानोज बोलते हैं। ओके, बस ये है आपका स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। ठीक है, बस दैट्स इट। उसके बाद डायसेक्राइड भी है, बट आप उसके आपके सिलेबस से कट गए हैं इस बार ये डायसेक्राइड, सिर्फ आपको मोनोसेक्राइड ही है, बट फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। पढ़ना सिर्फ ये है कि जो सुक्रोज है उसकी जो हाइड्रोलिसिस होती है उससे आपके पास डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज बनता है। ओके, उसके बाद जो मैल्टोज है, मैल्टोज की जो हाइड्रोलिसिस होती है, मैल्टोज की हाइड्रोलिसिस से आपके पास, यहाँ पे आगे रिएक्शन लिखा नहीं हुआ, मैल्टोज में दोनों के दोनों जो यूनिट होते हैं वो दोनों ग्लूकोज के ही होते हैं, तो मैल्टोज की हाइड्रोलिसिस पे दो ग्लूकोज के यूनिट बनेंगे, ये भी डायसेक्राइड की एग्जाम्पल है। सिमिलरली लैक्टोज होता है आपके पास, लैक्टोज जो है ये गैलेक्टोज और ग्लूकोज का बना होता है, तो जब लैक्टोज की हाइड्रोलिसिस होगी तो आपके पास एक मॉलिक्यूल बनेगा गैलेक्टोज का, ओके, और दूसरा मॉलिक्यूल बनेगा बीटा डी ग्लूकोज का। ओके, बस ये याद, मतलब ये याद करना है आप लोगों ने, हालांकि आपके सिलेबस सिलेबस से ये वाला जो कम्प्लीटली कट चुका है, डायसेक्राइड्स कट चुके हैं, आपको सिर्फ मोनोसेक्राइड्स में दो ही एग्जाम्पल हैं, फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज। ठीक, तो इनके साइक्लिक स्ट्रक्चर और इनकी हॉवर्थ प्रोजेक्शन आपको बनानी आनी चाहिए, ठीक है, और आपको पता होना चाहिए अल्फा डी और बीटा डी ग्लूकोज क्या होते हैं। ठीक, और जो ग्लूकोज है वो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट नेचर में पायरानोज स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते हैं, जो नेचुरली अकरिंग ग्लूकोज है, और सिमिलरली जो नेचुरली अकरिंग फ्रक्टोज है वो फ्यूरानोज स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब फाइव मेंबर रिंग बनाते हैं। ओके, बस सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाकी हम कल कर लेंगे।